एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम लोग आए हैं ट्रेड फेयर। तो गाइज बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आ पाया था बिकॉज कुछ रीजंस की वजह से। एंड जिन लोगों के भी कमेंट्स का रिप्लाई मैंने नहीं किया है उन सबको मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं बहुत बिजी थी या कह लो कि कुछ मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो आई एम सॉरी गाइज जिन लोगों के भी कॉमेंट का रिप्लाई मैं नहीं कर पाई हूँ, बट बहुत दिनों बाद ये वीडियो आएगा एंड इसके बाद बैक टू बैक को वीडियोस मैं डालने की पूरी पूरी कोशिश करने वाली हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं। तो गाइस हम अंदर जा रहे हैं, मेट्रो से आए हैं। आपको मेट्रो से आने के लिए गेट नंबर 10 एग्जिट लेना है। जरूरी बातें, आपको यहाँ पर टिकट्स वगैरह ऑनलाइन हैं तो आप बुक माई शो के थ्रू टिकट्स बुक कर सकते हैं। एंड गाइज एक बात और, आप अगर मेट्रो से आए तो आप प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन नहीं बल्कि अब नाम चेंज हो चुका है, अब है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो आपको वहीं उतरना है और गेट नंबर 10 पर ही आपको एग्जिट लेना है। वहीं से एकदम आप डायरेक्ट ट्रेड फेयर के अंदर जाएंगे। और गाइज सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन छोड़ के हर मेट्रो स्टेशन में ट्रेड फेयर का टिकट अवेलेबल है। और जो अडल्ट है उनके लिए 80 रुपये का टिकट है, बच्चों के लिए 40 रुपये का टिकट है। एक ज़रूरी बातें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी, सो दैट कि आप लोग अगर आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ें पहले से पता हो। ओके गाइज, तो बहुत दिनों बाद मैं कोई व्लॉग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो आई थिंक 25 नवंबर को मैं डाल दूँगी और आज है 24 नवंबर, तो आई थिंक कल तो ट्रेड फेयर का लास्ट डे होने वाला है। तो आप लोगों को आना है तो आप लोग आ सकते हैं। टाइमिंग है सुबह 8 से 5:30 तक एंट्री टाइमिंग है, तो आप लोग भी आ सकते हैं। तो गाइज और गाइज फूड कोर्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप बहुत कुछ खा सकते हैं। और गाइज आप चाहो तो लेकर भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं लास्ट 2013 में आई थी तो हम लोग भी फैमिली के साथ आए थे, तो थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना हम लोग साथ लेकर आते थे, बिकॉज काफ़ी लोग लेकर आते हैं तो आप भी लेकर आ सकते हैं। तो गाइज हम ऊपर आ चुके हैं। गाइज यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया का स्टॉल है, उसके अंदर जाने वाले हैं। Thank you.
टर्की के स्टॉल में, और ये टर्किश लैम्प है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। गाइस ये सब हैंडमेड है, आप चाहें तो ले सकते हैं, बट मेरा बजट तो इतना नहीं है कि ये ले सकूँ। अराउंड मिनिमम भी 15,000 से स्टार्ट है, ऐसे कुछ है, तो आप चाहो तो ले सकते हो। गाइस वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। गाइस ये गाड़ियों की न्यू मॉडल है जो कुछ सालों बाद आने वाली है, तो मुझे इतना कार्स के बारे में नहीं पता। ओके गाइस तो अब हम घर जा रहे हैं। एक्चुअली अभी टाइम हो रहा है 4 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं, तो नाउ वी आर गोइंग।